यूक्रेन में वार के वजह से जो डिजास्टर हुआ उसके लिए जापान रिलीफ के तौर पे लेके जा रहा था खाना और कंबल जैसे कुछ सामान। इनके प्लेन पहले इंडिया में लैंड करने वाला था और इंडिया से ये सीधा सामान ले जाते यूक्रेन, पर इंडिया ने यहाँ पे उनके प्लेन को लैंड ही होने नहीं दी। इस बात पे जापान सहित पूरी दुनिया इंडिया के बारे में टाइट बातें बोलते जा रहे हैं कि देखो इंडिया यूक्रेन को रिलीफ भी प्रोवाइड करने नहीं दे रहा। गाइस बात यहाँ पे यह है कि जापान से जो विमान आया था वो एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान था जापान एयरफोर्स का। मान लीजिए अगर जापानीज सोल्जर यूक्रेन की तरफ से लड़ने के लिए उस प्लेन में बैठ के यूक्रेन चले जाते और रशियन इंटेलिजेंस को ये खबर लग जाती तो इंडिया और रशिया के रिलेशन खराब हो सकते थे। इसीलिए इंडिया का यहाँ पे यही कहना था कि तुम सिविलियन एयरक्राफ्ट लेके आ जाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हम मिलिट्री एयरक्राफ्ट इंडिया से होकर नहीं जाने देंगे। इंडिया का स्टांस अभी भी न्यूट्रल है, इंडिया रशिया के खिलाफ कोई भी स्टेप लेना नहीं चाहता। गाइस ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब।